दुर्ग के टप्पा तालाब के पास हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा दुर्ग पुलिस ने बुधवार को किया। हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। दुर्ग शिवपारा निवासी प्रकाश ठाकुर उर्फ समोसा का मृत शरीर मंगलवार को टप्पा तालाब के पास मिला था। मामले की जानकारी जैसे ही दुर्ग पुलिस को मिली, तत्काल 4 टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की गई। मामले में लगभग 1 दर्जन से भी अधिक लोग से पूछताछ के बाद पता चला कि मृतक रात को 11 बजे अपने घर से घूमने निकला था। इस दौरान वो मोहल्ले की एक युवती, जिससे कि वो प्रेम किया करता था, उससे मिला। इस घटना को मोहल्ले के कुछ युवक ने देख भी लिया था। इसे देख मृतक वहां से भाग निकला, लेकिन इस घटना को देख बलदाव उर्फ हर्ष सारथी ने अपने 2 दोस्त लल्लन सारथी और मीर सारथी के साथ सुनियोजित तरीके से आरोपी को बहला फुसला कर टप्पा तालाब के पास ले जाकर प्रकाश ठाकुर की गला दबा कर हत्या कर डाली। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वही पूरे मामले को लेकर दुर्ग CSP ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। दुर्ग कोतवाली थाना का मामला है, जिसमें एक मृतक प्रकाश ठाकुर हैं, जो कि शिवपारा के हैं। मॉर्निंग 8 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक मृतक है प्रकाश ठाकुर, जिनकी लाश तालाब के किनारे मिली है, जिस पर से हमने मर्ग जांच स्टार्ट किया। शुरू में ही हमें संदेह हुआ कि इनकी मृत्यु नेचुरल नहीं है, उसको से टीम बनाई गई और उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में इसमें 302 की धारा कायम किया गया और इसमें 3 आरोपी हैं, जो बलदाऊ हर्ष सारथी, लल्लन सारथी और मीर सारथी, तीनों ने मिलकर इस प्रकाश की हत्या कर दी। जांच के दौरान हमें ये मिला कि जो मृतक की जो मृत्यु हुई है, उसका कारण उसके गले में एक चांदी का चैन था, जिसके कसने से हुई है, वो हमें पता चला, जिस पर से हम हत्या सोचकर इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और PM रिपोर्ट आने के बाद ये शंका हमारा कंफर्मेशन में बदल गया और फिर हमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।